हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज में भ्रष्टाचार हो गया है, पैसे लेकर के एडमिशन हो रहे हैं, पैसे देकर के लोग बीसी बन जा रहे हैं, जिसका जो हक है वो हक मिल नहीं रहा है, आम बच्चे को बहुत सारी दिक्कत हो रहा है, जो गांव समाज से बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनकी होंठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी सालिम की मदद होती है। आंदोलन की अभी शुरुआत है और ये सिर्फ पटना विश्वविद्यालय नहीं, तमाम विश्वविद्यालयों में ये आंदोलन हो रहा है, और अगर ये वीसी को बर्खास्त नहीं करते हैं और तमाम वीसियों सब पे अगर जांच नहीं बैठाते हैं, हमारी मांग है, ये प्रोटेस्ट से मांग करते हैं कि अब पटना हाई कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बैठे और वो जांच करे, क्योंकि अगर जांच होगी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें फंसेगी। भेज दिया गया है, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो कि यूपी से चल रहा है। इसमें तमाम स्टेट के तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इन्वॉल्व हैं और इसके खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में और जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे, आइए उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अब क्या मांगे आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मांगे हमारी ये है कि जो मगर यूनिवर्सिटी की वीसी 65,000 पकड़ाए हैं, ये सारा खेल राजभवन चल रहा है, और एक नहीं उनके साथ कई सारे लोग जो है सम्मिलित हैं, पकड़ा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें पटना यूनिवर्सिटी के वीसी का भी नाम आ रहा है और इसमें राजभवन का मामला, तो राजभवन कुछ नहीं कर रहा है, उल्टे वीसी को छुट्टी पे भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो कि यूपी से चल रहा है। आप लोगों के साथ जीवन के खिलवाड़ किया जा रहा है ना? हम लोग सर खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, वीसी पैसे से आ रहे हैं और हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि वीसी अपने पैसे जो जिसे बन रहे हैं घुस के उसका भरपाई कर सके। वो कहाँ तक ये आंदोलन चलेगा? आप लोग राजभवन तक जाएगा और जब तक जीतेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। आप बताइएगा क्या कुछ मांगे आप? देखिए, राज्य में जिस तरीके से वाइस राजभवन में बैठे कुछ लोग भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, उसके खिलाफ पटना विश्वविद्यालय से एक छोटा सा मार्च निकाला गया है, और इस मार्च के माध्यम से हम छात्रों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से पूरे स्टेट में शिक्षा में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बड़े संख्या में लोगों को लेकर के भविष्य में उतरेंगे। आपके वीसी पे घोटाला का भी मामला आरोप, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी पर घोटाला का मामला आया है, लेकिन इसमें तमाम स्टेट के तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इन्वॉल्व हैं और इसके खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जी आप बताइएगा क्या कुछ कहां तक ये आंदोलन आप लोगों का जाएगा? देखिए, ये आंदोलन की अभी शुरुआत है और ये सिर्फ पटना विश्वविद्यालय नहीं, तमाम विश्वविद्यालयों में ये आंदोलन हो रहा है, और अगर ये वीसी को बर्खास्त नहीं करते हैं और तमाम वीसियों सब पे अगर जांच नहीं बैठाते हैं, हमारी मांग है, ये प्रोटेस्ट से मांग करते हैं कि अब पटना हाई कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बैठे और वो जांच करे, क्योंकि अगर जांच होगी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसेगी, क्योंकि ये तो छोटी मछलियां हैं, कुलपति को बर्खास्त कीजिएगा, ये छोटी मछलियां हैं, इनके ऊपर कौन है? 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लेके आप कुलपति बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है? शिक्षा को आप चौपट कर रहे हैं नीतीश जी, और मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल संवैधानिक पद की गरिमा रखे और संविधान को बचाए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके से जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र वो आक्रोशित दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जांच कमेटी है वो बैठाई जाए और जांच किया जाए, जो वीसी हैं उन पे जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच किया जाए, ऐसा इनका कहना है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो तो और भी प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी के बाहर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो छात्रों का जनसैलाब है वो दिख रहा है, तमाम जो छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी कुछ छात्र, उनसे भी बात करेंगे, अपना नाम बताइएगा। जी मैं कमर समा। क्या कुछ मांगे आप लोगों की, क्यों प्रोटेस्ट कर ले आप? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज में भ्रष्टाचार हो गया है, पैसे लेकर के एडमिशन हो रहे हैं, पैसे देकर के लोग वीसी बन जा रहे हैं, जिसका जो हक है वो हक मिल नहीं रहा है, आम बच्चे को बहुत सारी दिक्कत हो रहा है, जो गांव समाज से बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे
कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनकी होंठों के खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए हम सब बच्चे मिलकर के एक विरोध मार्च किए हैं ताकि ये कान भीसी का ये आवाज़ भीसी के अंदर कानों तक जाए और हमारी मांग को पूरा हो। अगर ये अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर इसके आगे हम और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, इसके बाद हम नीतीश कुमार के तक भी मार्च करना जाएंगे। आपका सीधा सीधा आरोप है कि भीसी घूस दे के आ गए हैं यहाँ पे? जी यही है कि वो भीसी पैसे दे करके भीसी बन गए हैं और स्कूल कॉलेज में जो सीनियर बच्चे हैं जो लोग वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेकर के दलाली करते हैं, उनका एडमिशन कराने की मांग करते हैं, तो इन सारी चीज़ के ख़िलाफ़ हम लोग हैं। जो गांव समाज से बच्चे आ रहे हैं, दबे कुचले लोग के जो बच्चे हैं, उन सबको हक एक समान मिलना चाहिए। जैसे बड़े लोगों का समान मिलता है वैसे सबका समान मिले, एक समान एक सबका ये होना चाहिए। इसके लिए जांच कम्युनिटी बैठानी चाहिए ना? इसके लिए जांच कम्युनिटी बैठानी चाहिए, लेकिन ये काम बीसी का है। हम लोग तो काम है कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठा करके बीसी तक ये आवाज़ को पहुंचा दे। अगर बीसी इस काम को सही पूर्वक नहीं करती है तो हम इसके उनके खिलाफ भी विरोध करेंगे और प्रदर्शन और इससे बड़ा करेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो आक्रोशित दिख रहे थे, आपने तस्वीरों में देखा। क्या कुछ मांगे आपने सुनाई कि जो भीसी हैं वो घूस दे के आ गए हैं, उनको बैठा दिया गया है कुर्सी पे, घूस दे के वो आ गए हैं, ऐसा इनका कहना है। और इनकी मांगे हैं कि जो भीसी हैं उस पर जाँच बैठाई जाए और जाँच जल्द से जल्द की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ, ऐसा इनका कहना है। और भी क्या कुछ कहना था आपने सुनाई? और भी तमाम खबरों के लिए बने रहता पंचायत के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।